नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्ष और आप देख रहे हो प्रोएक्टिव टेक्निकल। और आज के वाला वीडियो एकदम खास होने वाले, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन्स को लेकर के। और ये स्मार्टफोन हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इन्हीं की लॉन्च डेट को लेकर के, तो ये हमें दिसंबर 2020 के अंदर देखने को मिलेंगे या फिर जनवरी 2021 के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इन्हीं स्मार्टफोन्स की, तो यहाँ पर हमें तीन मोस्ट प्रोबेबली लॉन्चिंग स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जल्द ही तीन स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, ये हमें सैमसंग की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इन्हीं तीनों स्मार्टफोन्स के अंदर, तो सबसे पहला जो स्मार्टफोन हमें देखने को मिल रहा है वो हमें सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A42 या फिर M42 के नाम से देखने को मिल सकता है। अभी तक नाम कंफर्म नहीं हुआ है कि किस नाम से हमें ये इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। क्योंकि ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है, तो यहाँ पर हमें दो ही प्रोसेसर्स की उम्मीदें देखने को मिल जाती है। पहला है एक्जीनोक्स 980, जो कि हमें एक्जीनोक्स का एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, और दूसरा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G। और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अब के बार इंडिया के अंदर हमें 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का। और यहाँ पर स्नैपड्रैगन 750G इस स्मार्टफोन के अंदर यूज में होने वाला है, यानी कि ये प्रोसेसर यूज में लिया जा सकता है सैमसंग की तरफ से। अगर हम बात कर रहे हैं इसी स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशंस हमें पता लगती है, कैमरा के बारे में बात करते हैं, फ्रंट कैमरा या फिर सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, रियर कैमरा हमें 48 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरास देखने को मिलेंगे, 48+8+5+5 मेगापिक्सल के चार कैमरा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रैम की, तो हमें 4GB रैम देखने को मिलेगी इसी स्मार्टफोन के अंदर, साथ ही में 6.6 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। बैटरी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 5000mAh की बड़ी बैटरी हमें देखने को मिल जाएगी इसी 5G स्मार्टफोन के अंदर, जो कि हमें सैमसंग की तरफ से देखने को मिलेगा। साथ ही में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं दूसरे स्मार्टफोन की, जो कि हमें एक एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, और ये हमें सैमसंग की M सीरीज का M12 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, और ये हमें M12 या फिर M12S के नाम से देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफिकेशंस फिलहाल पता नहीं लग रही है इस स्मार्टफोन की। यहाँ पर हमें 2GB रैम देखने को मिल जाएगी इसी स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट के अंदर। और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं उस तीसरे स्मार्टफोन की, जो कि हमें सैमसंग की तरफ से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमें सैमसंग गैलेक्सी A51 5G देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन के अंदर हमें 6GB रैम देखने को मिलेगी। साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कैमरा सेटअप की, तो हमें पीछे की तरफ चार कैमरा देखने को मिलेंगे 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ में, हमें 12+5+5 मेगापिक्सल के तीन कैमरा और देखने को मिलेंगे। फ्रंट कैमरा की या फिर सेल्फी कैमरा की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी हमें 4500mAh की देखने को मिलेगी। साथ ही में अगर हम बात करते हैं स्क्रीन साइज की, तो यहाँ पर हमें 6.5 इंचेस का स्क्रीन साइज देखने को मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हमें 5G प्रोसेसर क्वालकॉम की तरफ से देखने की बजाय देखने को मिलेगा एक्जीनोक्स की तरफ से, और ये हमें एक्जीनोक्स 980 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, यही थे एक्सपेक्टेड अपकमिंग डिवाइसेस जो कि हमें देखने को मिलेंगे सैमसंग की तरफ से जल्द ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ।